नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि HDFC क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कैसे करें। दोस्तों, आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कई अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से मोबाइल बैंकिंग यानी कि HDFC के ही एप्लीकेशन से कैसे अपना बिल पेमेंट करेंगे। तो वही सारा का सारा प्रोसेस आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखना। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना। चलो तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, HDFC के क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इस वीडियो को देखने के बाद मात्र 2 मिनट के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर देंगे। तो बिल पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में HDFC के एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे मेरा यहाँ पर HDFC का ही एप्लीकेशन है, मैंने इसको ओपन किया है। आपको भी कुछ इस तरीके से इसे ओपन करना है और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालकर इसे लॉगिन कर लेना है। तो मैं अपना यहाँ पे पासवर्ड डालकर इसे लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों आपको इसे लॉगिन कर लेना है। जैसे ही मैंने यहाँ से लॉगिन किया तो हमारे सामने कुछ प्रोसेसिंग चल रही है। जैसे दोस्तों आप इसमें अपना पासवर्ड डालकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने भी कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको ऊपर कोने में दिखाई दे रहा है मेन्यू। मेन्यू के सामने आपको यहाँ पर 3 लाइन दिखाई दे रही है, आपको इन 3 लाइन पर क्लिक करना है। जैसे आप 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा और आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है पे। आपको इस पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर तीसरे नंबर में एक ऑप्शन दिखाई देगा कार्ड का, आपको इस कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रोसेसिंग चलेगी, इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा और आपके पास जितने भी कार्ड हैं वो कार्ड आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे मेरे पास HDFC के यहाँ पर 2 कार्ड हैं, एक ऊपर ये लास्ट में 80-23 है और यहाँ पर एक 72-32 है। तो ये मेरा 18,999 इसका बिल है, मैं इसी को भरने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको एक पीछे एरो दिखाई दे रहा है, आपको इस एरो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्रेडिट कार्ड बिल। इसके नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है लास्ट स्टेटमेंट अमाउंट, यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पर 18,999 रुपये पे करने हैं। तो इसके लिए आपको नीचे एक पे वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने लोडिंग चलेगी। लोडिंग के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है अमाउंट टू पे, यानी कि दोस्तों आप इसमें से कितना अमाउंट पे करने वाले हैं। आप यहाँ पे मिनिमम अमाउंट 950 रुपये भी पे कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूँगा जितना भी आपके पास आपका बिल हो आप सारा का सारा बिल पेमेंट करें। तो मैंने यहाँ से टोटल अमाउंट पे पे क्लिक कर दिया है। मैंने यहाँ से टोटल अमाउंट पे क्लिक किया, इसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा है कंटिन्यू, आपको इस कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों आपकी जो भी डिटेल है आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे मैं इसको फोटो को साइड में कर देता हूँ, जो भी डिटेल है आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद नीचे आपको दिखाई दे रहा है कन्फर्म, आपको इस कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यू हैव सक्सेसफुल पेड योर क्रेडिट कार्ड बिल, यानी दोस्तों आपका जो क्रेडिट कार्ड बिल है वो यहाँ से पेमेंट हो गया है। इसके बाद आपको नीचे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक शेयर का और दूसरा दिखाई दे रहा है आपको डाउनलोड का। आप इस स्लिप को शेयर भी कर सकते हैं और इस स्लिप को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक किया है। जैसे मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया ये स्लिप हमारे मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको नीचे एक डन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को रिफ्रेश करूँगा, मेरे पास यहाँ पर मैसेज भी आ गया है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे सामने यहाँ पर हमारा जो अकाउंट से पैसे कटे उसका एक यहाँ पर मैसेज भी आ गया है और कुछ ही देर में दोस्तों यहाँ पर ये अपडेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप बड़ी आसानी से मात्र 2 मिनट के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल या मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलो चलते हैं फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।